तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम करने वाले हैं कैल्शियम कार्बाइड के साथ एक्सपेरिमेंट। इससे जो एसिटिलीन गैस रिलीज होती है पानी को ऐड करने पे, वो हम आज चेक करने वाले हैं उसकी प्रेशर। हमने ले लिया है कैल्शियम कार्बाइड और एक हमने ले लिया स्प्रेट का बोतल। इसकी जो ढक्कन की कंडीशन है वो अच्छी होनी चाहिए ताकि वो गैस बाहर से रिलीज ना करे। एंड इसको हम रख देते हैं साइड में। अब इसके बाद हम अब लेंगे एक ढक्कन में नोज़ल। नोज़ल मींस एक लोहे का कोई भी होल वाला चीज़ और मटेरियल, उसको हम ढक्कन के अंदर फिट कर लेंगे। पेस्ट कर लिया ताकि गैस बाहर से लीक ना हो। एंड हम इसके बाद पानी को ऐड करने वाले इसके अंदर। ढक्कन को खोल लें। इस गैस से एक्चुअली में जो दुकानदार लोग होते हैं, जैसे लोहे को पिघलाना होता है तो इस गैस का ही यूज़ करते हैं। वो दुकान पे खुद से ही बना लेते हैं पानी। उनके पास सिलेंडर होता है, उसके अंदर पानी डालते हैं और इस पत्थर को डाल देते हैं, उसके अंदर से फिर वो गैस रिलीज करता है। उसकी प्रेशर कुछ ज़्यादा होती है, इसी कारण लोहे को पिघला देता है। अब हमने पानी को कर लिया है फिल बोतल के अंदर। लगभग आधा या आधा से कम है। अब इसके अंदर हम पत्थर डालते हैं। जैसे हम पत्थर डालते हैं ये पानी खोलने लग जाता है, इसमें से गैस रिलीज होने लग जाती है। तब तक हम धीरे धीरे इन सबको डालते हैं। एंड इसको डालने के बाद जो हमारा ढक्कन है उसे हम अब बंद कर देंगे। एंड इसके अंदर से गैस निकलना शुरू हो गया है, आप देख सकते हैं इसके अंदर से गैस निकल रही है। अब इसको हम ले चलते हैं अब जलाने के लिए। लेट्स गो। या ऑल राइट, हम लेके आ गए इसे कमरे में। अब इसको जला के देखते हैं क्या इसकी प्रेशर। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा है। ऐसे तो गैस भी गैस की तरह ही है ये भी, बट आप इसकी फ्लेम चेक करें, इसकी फ्लेम कितनी अधिक है। ध्यान रखें जो आपको नीचे नोज़ल जार लगाया था लोहे का, उससे नीचे कोई गैस रिलीज ना हो, तो ढक्कन पिघल सकती है। एंड आप जब तक इसकी प्रेशर रहेगी तब तक ये जलेगा। आपको ये कैल्शियम कार्बाइड का जो पत्थर है, ये आपको हार्डवेयर की शॉप पे या वेल्डिंग वाले के पास आपको इजीली मिल जाएगा। ये अवेलेबल होता है मार्केट में, इजीली कोई भी दे देगा। ऐसी नहीं है कि ये कुछ ज़्यादा रिस्की है। अब इसकी फ्लेम जो है वो कम हो गई, क्योंकि अब इसके अंदर प्रेशर नहीं बचा। गैस स्टोर करने के लिए आप बोतल के अंदर कर सकते हैं, या फिर कोई लोहे की आपके पास चीज़ है तो उसमें आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। ये पत्थर आपको लगभग गांव में जैसे यूज़ होता है इसके अंदर, क्योंकि आप जानते हैं इसके अंदर गर्माहट बहुत होती है, तो गांव में या फिर कहीं भी इसको यूज़ करते हैं। फल को पकाने में ज़्यादातर यूज़ आती है ये। ध्यान रखें अगर ये कैल्शियम कार्बाइड अगर पानी में चला जाता है तो आप वहाँ से इसे हाथ से निकालने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये बहुत गर्म हो जाता है उस समय तक, इसलिए आपका हाथ भी जल सकता है। इससे पोल्यूशन भी होता है, जैसे मैनुअली हम अभी जला रहे तो इससे ब्लैक सा पोल्यूशन भी निकल रहा है। बट कैल्शियम कार्बाइड को स्टोर करने के लिए उसके पत्थर को हम ऐसे खुला नहीं रख सकते। अगर खुला रखें तो हवा के कारण उसका जो पत्थर है वो लगभग मिट्टी में बदल जाता है, वो दूर हो जाता है, फिर उसका कोई यूज़ नहीं होता। उसके अंदर फिर वो ज्वलनशील गैस होती ही नहीं है। इसीलिए आप उसको रखने के लिए आप पन्नी में बांध करके डिब्बे में डाल दो, मतलब किसी प्रकार से उसके अंदर ऑक्सीजन हवा नहीं जानी चाहिए ताकि वो ख़राब हो। बाकी ये हमें तो भाई कैल्शियम कार्बाइड हमें ऐसे ईजिली मार्केट में नहीं मिला, क्योंकि हमारे साइड में ये अवेलेबल नहीं था, तो हमें कहीं और से इसे मंगाना पड़ा। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सही है, आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।